नमस्कार दोस्तों, ओमनिसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनिसेंट इंग्लिश के तहत 721वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। यानी कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर डर लगता है, सोचते हैं कि नहीं पढ़ पाएंगे, या बहुत सारे जो लेटर्स हैं उसका उच्चारण नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें ओमनिसेंट, दोस्तों डायरेक्ट हमसे जुड़ने के लिए। तो सबसे देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होगा, यानी अल्फ़ाबेट को कैसे बुलाएंगे, कैसे लिखेंगे अल्फ़ाबेट को हिंदी में, और वर्णमाला को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर ये दो चीज़ समझ जाते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। तो सबसे पहले बात दोस्तों, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? लोग आज भी ए बी सी डी ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए बी सी डी जेड तक कहते हैं। और ये 26 लेटर वाले अल्फ़ाबेट में जो है ए ई आई ओ और यू, ये पांच जो है ये पांच हमारा वोवेल्स है। ये वोवेल ही आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं दे रहा है। अगर आप नहीं, होता है ना कि जड़ पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या दिक्कत है, तो दोस्तों अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपकी यही परेशानी कि आपको ये पढ़ने नहीं आ रहा है। यानी आपको इसे कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, किस किस तरह से उच्चारण करते हैं, आपको जानकारी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये जो है, आप कहेंगे कि भाई ईजी है पढ़ना, लेकिन मैं कहूँगा ईजी नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों 4 से 5 तरह से हर एक लेटर को पढ़ा जाता है। टोटल जो है दोस्तों 22 तरह से मैं बताऊँगा कि वोवेल्स को उच्चारण किया जा रहा है। और इसी वजह से जो अंग्रेजी वर्ड, हर एक वर्ड मीनिंग दूसरा तीसरा चौथा डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद जो बचता है दोस्तों वो है हमारा 21 कॉन्सनेंट। और कॉन्सनेंट में मैक्सिमम लोग हिंदी के वजह से जानते हैं, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी में मतलब कि कॉन्सनेंट और व्यंजन में मिक्सअप है इसीलिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला एक है, वोवेल स्वर एक है या कॉन्सनेंट व्यंजन एक है, लेकिन समानता बहुत है। जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट है 26, तो वर्णमाला आपको टोटल कह सकते हैं 50, और वोवेल 5 है तो स्वर है दोस्तों 14, और 21 है कॉन्सनेंट तो व्यंजन है दोस्तों 36। लेकिन इसका अंग्रेजी आपको याद करना होगा, इसका हिंदी आपको याद करना होगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए जैसे कॉन्सनेंट में कौन कौन से लेटर में आप फंसते हैं, तो डी में, जी में, उसके बाद दोस्तों क्यू आर एस टी एक्स में आप जो है उच्चारण नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट यही उच्चारण था। दूसरी बात दोस्तों कि आपको लगता होगा कि भाई वोवेल जो है कैसे कंफ्यूज करता है आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है लिखा हुआ आई और ये लिखा हुआ टी, इन दोनों को अगर अलग अलग पढ़ें तो ये आई है ये टी है, बोल मैं पूछूंगा कौन क्या क्या स्पेलिंग है भाई इसका, क्या इसमें क्या स्पेलिंग है, आप बोलेंगे आई टी। तो आई टी का मतलब होना चाहिए आई और उसके बाद टी, ठीक है, ये आई टी इस तरह से हो जाएगा आई टी, यानी आई टी इसका उच्चारण करेंगे। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, इसका उच्चारण दोस्तों इट किया जाता है, जो कि यही सही है। कहने का मतलब आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते हैं बल्कि ई भी बोलते हैं। दूसरा ले लीजिए, जैसे ए का लेते हैं, जैसे ए है और यहाँ पर है टी, अब इसे क्या पढ़ेंगे आप, तो आप इसे पढ़ेंगे ए टी, ए टी, ठीक है, ए टी, तो एट एट हो सकता है, ठीक है, ए टी को ए भी ऐसे लिखते हैं और टी लिखेंगे, तो ए टी, ए टी का मतलब ए टी हो क्या, तो टी को सिर्फ टी तो बोलते ही हैं, लेकिन इसका उच्चारण जो है ट के रूप में था, तो हो जाता एट। एक और ले लेते हैं, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है एम ए, ठीक है, डबल टी ई आर, यहाँ पर जो है ए का उच्चारण अगर आप सिर्फ ए कहते हैं तो हो जाता मे, ठीक है, और ई का उच्चारण सिर्फ ई कहते तो मे टिर, ठीक है, मे टिर, यानी ई को ई बोल रहे हैं, ए को ए बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ए को, ए को यहाँ पर दोस्तों आय उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, क्या आय, तो यहाँ हो जाता है मैं, और यहाँ पर ई का उच्चारण अ हो रहा है तो टी के साथ जोड़ा अ, तो यहाँ अ टी के साथ, यानी ट के साथ टी के साथ अ जुड़ा, तो हिंदी में ट और अ, ट हो गया आयर मैटर, इस तरह से बोलते हैं मैटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वर्णमाला का स्वर पे आते हैं। दोस्तों स्वर जो है वर्णमाला का पहला हिस्सा है, पहला भाग है, और ये एकदम स्वतंत्र है। इसका अंग्रेजी एक्चुअली जो स्वर
डायरेक्ट जो है निकलता है अंदर से हवा के द्वारा, ध्वनि है हमारा, एक तरह से समझे। और इसे उच्चारण अ आ ई ई उ री री, ये जो दो दो है इसमें आपको बहुत ही सावधानी से अगर लोग करते हैं तो पता चलेगा, लेकिन इतना सावधानी से कोई ना बोलते हैं ना पढ़ते हैं। आपको एक ही समझना होगा ई को भी ऊ को भी, लेकिन लिखते समय आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि नहीं सिर्फ ई को सिर्फ ई ही नहीं समझेंगे, इसका स्पेलिंग के भी डिफरेंसेस है। मात्रा चिन्ह को याद रखिए, जैसे आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं था, आकार में ये देखिए आकार हो गया, छोटी कार में इस तरह से बड़ी कार में, ये छोटी कार यानी ह्रस्व ही बोलते हैं, ये बड़ी कार यानी दीर्घ इकार है, दीर्घ बोलेंगे दीर्घ, ये है ह्रस्व, ये है ह्रस, ये है दीर्घ ह्रस्व, ये है दीर्घ उकार, ये री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। उसके बाद अंग्रेजी का देखिए, अ का ए, आ का डबल ए ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, ई का आई, बड़ी का डबल ई, उ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का डबल आर डबल ई। उसके बाद दोस्तों ए, ए का एक हुआ, ए का दो ऊपर हुआ, ओ का एक ऊपर एक नीचे, अ का दो ऊपर एक नीचे, और अन का ए हो गया, और अह का यहाँ पर हो गया। दोस्तों इसका अंग्रेजी होगा, जब ये मात्रा चिन्ह रहे तो आपको ए ई लिखना चाहिए, ई ए का मात्रा चिन्ह है तो ए लिखना चाहिए, ओ का मात्रा चिन्ह तो ओ, अ का मात्रा चिन्ह है तो ओ, ए यू, अन का ए एन, अह का एच। इसमें भी सावधानी से बहुत ध्यान से आपको यूज़ करना सीखना होगा। जैसे एक अक्षर, एक ये हमारा शब्द है कृषि, ठीक है कृषि है, यहाँ पर मात्रा को पकड़िए, यहाँ री है जो कि यहाँ पर आप री देख रहे हैं आर आई, तो के से होता है क, और री के लिए जो है तो ये वाला मात्रा है इसका आर आई हो गया, तो आर आई से री हो गया, एस एस से श होता है, और छोटी कार के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ना ई कार आई, तो यहाँ पर आई हो गया, क्या हो गया आई हो गया, तो ये हो गया तो कृषि, क्या हो गया कृषि। तो चलिए आपको नाम लिखना सीखना है या कोई भी हिंदी से अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल में सोशल कहते हैं ना सोशल साइट्स पे आप अगर रहते हैं तो आप लिखते हैं मैं अच्छा हूँ, या कुछ कुछ कमेंट्स करते हैं, तो ऐसे ही किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा कृषि का इस तरह से, ऐसा नहीं कि कृषि को एग्रीकल्चर लिख देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तो व्यंजन पे, व्यंजन जो है आप देख रहे हैं व्यंजन क्या है, तो देखिए जो आप दिख रहा है ये सारे के सारे व्यंजन है, उसके नीचे उसका अंग्रेजी लिखा हुआ, व्यंजन का अंग्रेजी लिखा हुआ, ना कि ये अक्षर है। देखिए अक्षर किसे कहते हैं अब ये समझिए, तो देखिए ये 36 व्यंजन है, 36 व्यंजन में से कोई एक स्वर, 14 में से कोई एक स्वर को जोड़ दीजिए, स्वर की संख्या 14 कोई एक को जोड़ दीजिए तो बन जाता है हमारा तो अक्षर, क्या बनेगा अक्षर बनेगा। और अक्षर में से अक्षर, तो पहले अक्षर समझ लीजिए अक्षर किसे कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ प, इसलिए प नहीं है हमारा ये वाला लिखा गया, मैं लिखा है इसमें मैंने जोड़ दिया है आ स्वर को, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है पता है पा, यानी कि अंग्रेजी में पी कर देते हैं प्लस आ के लिए एक ले लेंगे, डबल ए की आवश्यकता नहीं, कभी कभी डबल ए भी लेते हैं, और ये पी के बाद ए कर देंगे तो ये पा हो गया, ये अंग्रेजी में पा लिख दिया गया, तो हो गया ना पा। तो इस तरह से आपको समझना होगा ये कि ये अक्षर हुआ, ये स्वर है, ये सॉरी ये व्यंजन है, ये स्वर है, मिलकर अक्षर बना, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा हमारा एक शब्द बन जाएगा, ठीक है क्या बनेगा शब्द, शब्दों के समूह को ही बोलते हैं तो वाक्य, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। अब देखिए पा है, फिर से ऐसा ही एक पा और लिखेंगे पा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा पी ए पापा, है ना इस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों इसको याद करिए अच्छे तरह से, जैसे देखिए के से ख, जी से घ, जी से घ, एन जी से घ, ये वाला लोग संस्कृत वाले शब्द में ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, सी से छ, सी डबल से छ, जे से झ, जे से झ, वाई एन से ई, ये भी संस्कृत वाले शब्द में इस्तेमाल होगा, ट ठ ड ण और त थ द ध न के लिए एक ही अंग्रेजी टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल किया गया, प के लिए पी, फ के लिए पी एच, भ के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, y के लिए य, र के लिए r, ल के लिए l, व के लिए वी डब्ल्यू, तालाब श के लिए एस एच, मूर्धन्य श के लिए sh, दंस के लिए s, ह के लिए h, अक्षा के लिए ks, तर के लिए tr, ज्ञ के लिए gy, ये जो है तीन संयुक्ताक्षर है, इस तीन का प्रयोग दो व्यंजन के जोड़ने से बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों मान लीजिए कि किसी का नाम लिखना सीखना है, एक नाम है सुनीता, ठीक है यहाँ पर सिर्फ पकड़िए मात्रा को सु, इसके बाद नी, और यहाँ देखिए ता, मैंने लिखा सुनीता,
अब इसका कैसे लिखेंगे, तो श, ठीक है, यानी ये व्यंजन है, उसके बाद हमारा है उ, ये है हमारा स्वर, उसके बाद तो यहाँ पर न, उसके बाद है छोटी कार के लिए ई, और फिर त, फिर जो है बड़ा आकार आकार में आकार मात्रा के लिए आ हो जाएगा। ये सुनीता लिखा हुआ, मैंने इसका ये संधि एक्चुअली विच्छेद कर दिया है, ये संधि है विच्छेद है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए व्यंजन आपको याद है तो आप लिखेंगे श के लिए एस, उ से जो यू, बड़ी उ भी रहता है तो वही ज़्यादातर छोटी का ही इस्तेमाल होता है बड़ा रहने पे भी, एन से हो गया न, से हो गया एन, आई ई से छोटी है तो आई लिख देंगे, और त का हो गया टी, और आ के लिए डबल एन लिख कर एक ही ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिख दिए गए सुनीता, है ना, सुनीता है। और कोई भी अब मोबाइल में नाम जब लिखते हैं लोग तो ऐसे ही कन्फ्यूजन रहता है, मान लीजिए हरेंद्र लिखना है सीधा आ जाते हैं हरेंद्र, अंग्रेजी वाला देखिए हरेंद्र कैसे लिखना है, तो एच, उसके बाद ह, ह में चूँकि यहाँ कोई हरंत नहीं इसलिए इसका मतलब कि ए लगा हुआ, र के लिए आर, एक आर के लिए जो ई लिख दिए, आधा न के लिए एन, कोई भोवल नहीं इसमें, डी के बाद जो है इसमें र लगा हुआ, इसके साथ ए लिखेंगे, इस तरह से हरेंद्र होता है। आप समझ चुके होंगे कैसे लिखना है, और तभी आप किसी को टेक्स्ट मैसेज वगैरह इस तरह से या मोबाइल पर अपना सही सही नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं कॉन्सोनेंट को कि कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है। दोस्तों जो है कॉन्सोनेंट, अब बताइए कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है, तो वोवेल से, सॉरी अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू, ये वोवेल हमारा हटा देने पर जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। अब इसमें देखिए बी को बा बोलते हैं, सी को कशा बोलते हैं, डी को डादा बोलते हैं, और डी को जो है सो ज बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को गजा बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज बोलते हैं, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं तो प, पी को बोलते हैं प पी, उसके बाद तो क्यू को क बोलते हैं, और क्यू को क्यू बोलते हैं, क्यू को क भी बोलते हैं, आर को राडा, एस को स और ज भी बोलते हैं, टी को टता और चशा बोलते हैं, भी को वा वा, डब्लू को ही वा बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झा बोलते हैं। अब देखिए सी से भी कह, के से भी कह, और जब लिखते समय तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया क के लिए सी लिखना है या क लिखना है, अंग्रेजी वाले अक्षर में अगर क लिखना है तो सी लिखिए, स भी तो होता है लेकिन क के सी लिखेंगे, हिंदी वाले अक्षर में क के लिए के लिखिए, और सी के से भी क होता है, एक ही हो गया, Q से भी क होता है, और Q U E से भी क होता है, ये भी हो गया। अब देखिए ग्रेजुएट एक वर्ड है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में यहाँ पर D को ज बोला गया, ग्रेजुएट, है ना, तो ज का पांच जगह, मतलब जो हमारा लेटर है कॉन्सोनेंट का, पांच बार ज का इस्तेमाल यानी उच्चारण होता है, D वाले में D से भी ज, G से भी ज, J से भी ज, एस से भी ज, जेड से भी ज, ऐसे एस से में वॉज है, सूज है, इज है, एज है, बहुत सारा। अब देखिए ए एस को क्या बोलते हैं, एज, कहने का मतलब है कि भाई एस को तो ज ही बोल रहे हैं ना। अब देखिए टी में टी को टता तो बोलते हैं चशा भी बोलते हैं, जैसे टी कैसे बोलते हैं, च, टी यू आर को बोलते हैं तो चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं, टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी यू एल को बोलते हैं चुअल, तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद चुअल तो आप देख रहे हैं, इसके बाद देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल, टी आई एल को बोलते हैं क्या, सी एल, तो ये हो गया दोस्तों, ये चर, चुअल, शन, सी एल। अब देखिए ये सब सफिक्स वर्ड है, हमेशा वर्ड के अंत में आता है, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में आपको ये मिल जाएंगे, मैं अभी दिखाऊंगा उसको। आप देखिए एक वर्ड ले लेते हैं कि भाई समझने के लिए, पी ए टी आई ई एन टी, यहाँ पर स खोजना है कि स कहाँ से उच्चारण हो रहा है, इसको इसको क्या पढ़ते हैं पता है, पेशेंट, क्या पढ़ते हैं, पेशेंट, इसमें पी ए से पे हो गया, एन से न हो गया, टी से ट हो गया, लेकिन से कहाँ आ गया, स तो है नहीं कहीं, तो दोस्तों ये है ना, टी आई से स उच्चारण हो रहा है, ई से ए, वही यहाँ पर टी आई है जो कि स के रूप में उच्चारण किया गया है, सिर्फ उच्चारण पे ध्यान देना है, ठीक है। तो भी से देखिए व के लिए भी होता है, व के लिए डब्लू भी होता है, और भी से भ भी होता है, एक्स को एक्स बोलते हैं, जेड को, जैसे ओ एक्स में ओक्स को एक्स बोले,
और या एक्सक्यूज एक वर्ड ले लीजिए, एक्सक्यूज एक्स हो गया, ये एक्स हो गया एक्स, आई हो गया क्यूज। एक्सक्यूज में ई एक्स को जो है, ई एक्स से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो एक्स ही उच्चारण करेंगे, ना कि ई एक्स बोलेंगे। ई एक्सक्यूज ऐसा थोड़ी बोलते, ई एक्सक्यूजन या ऐसे नहीं बोलते, एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, एग्जाइल, बहुत सारे वर्ड, एग्जाम, एग्जाम तो नहीं बोलते, एग्जाम्स। तो चलिए आप समझ चुके होंगे अब अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों, ये है कॉन्सोनेंट के बाद हम बात करते हैं वॉवेल पे। ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, और वॉवेल का अगर आपके पास पकड़ बन जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई 22 तरह से वॉवेल वाला जो है उसको उच्चारण करेंगे, जो कि डबल ओ के साथ। तो देखिए, ए को सिर्फ मैंने बताया कि ए ही पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ तो होती रहेंगी, इसलिए ए को जब ए से वर्ड मीनिंग नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि सारे के सारे लोग, हम सभी लोग बहुत सारे वर्ड मीनिंग पहले सुन रखे हैं, और जब पढ़ने लगते हैं वर्ड मीनिंग तो लगता है ये नहीं होगा ये सही होगा, ये नहीं होगा ये सही होगा, इस वजह से लोग सही पढ़ने लगते हैं। तो जब ए का उच्चारण आपको सटीक ना बैठे तो आप ऐ के ऊपर देखिए, जब ऐ का ना बैठे तो अ आ और ए भी बैठिए करके देखें। तो ये है ए, ठीक है। उसके बाद ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते हैं, यानी कि छोटी ई ही नहीं बोलते, बड़ी ई ही नहीं बोलते, बल्कि अ आ और ए भी बोलते हैं। और आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता, बल्कि अ आ ई ई भी बोलते हैं। ओ का उच्चारण दोस्तों सिर्फ ओ ही नहीं बोलते हैं, बल्कि अ आ ऊ भी बोलते हैं। और यू का उच्चारण सिर्फ ई यू ही नहीं बोलते, बल्कि अ आ, ठीक है, अ आ और ऊ भी बोलते हैं। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं बोलते, बल्कि अ आ ओ और ओ भी बोलते हैं। एक वर्ड ले लेती है, लेने पे पर समझ में आएगा, आर ई एम, ई एम बी ई आर, रिमेंबर। रिमेंबर में तीन ही है, एक दो तीन ही है, एक ई दो ई और ये तीन ई। तीन ई का उच्चारण जो है तीन तरह से हो रहा है, जैसे कि छोटी ई का यहाँ पर ई के रूप में, यहाँ पर सॉरी, पहला ई में ई जो है ई के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में, तीसरा जो है आ के रूप में। उच्चारण कैसे करेंगे, री मैम, ठीक है, यहाँ पर री मैम, आई है देखिए बर। तो देखिए र के साथ ई लगा, म के साथ ए लगा और ब के साथ अ लग गया। एक वर्ड मीनिंग में एक वॉवेल है हमारा ई, वो तीन तरह से इस्तेमाल हुआ, छोटी के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में, तीसरा जो है अ के रूप में। अगर दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग मिल जाए और दो तरह से, तीन तरह से उच्चारण, दो तीन वॉवेल आ जाए, तब क्या होगा, और भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे बहुत सारा वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, जैसे मिडल, मैड है, मास्टर। एग्जांपल से आप समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कि एम ई डी डी, देखिए एम ए डी ए एल, यहाँ पर ए का उच्चारण अ के रूप में होता है। मास्टर में देखिए एम ए एस टी ई आर, यहाँ मास्टर में ए का उच्चारण अ के रूप में। फिर देखिए एम ए एम ए डी ई, यहाँ पर मेड में ए का उच्चारण ए के रूप में। और यहाँ देखिए एम ए एम ए डी, मैड में ए का उच्चारण अ के रूप में होता है। तो ये सब समझना होगा ईजीबी में। तो चलिए इसका प्रयोग मैं लास्ट में करके बताऊँ कैसे इसका यूज़ करना है पढ़ने में, ताकि आप बहुत फास्ट पढ़ सकें। तो दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता, वो हमारे साथ यहाँ पर 99 वर्ड्स मिलने वाले हैं देखने को, सुनने को। तो आप सुनिए कम से कम, या हमारे साथ उच्चारण करिए कम से कम। उच्चारण करने आएगा तो इतना तो होगा कि अंग्रेजी के कुछ मतलब 100 99 वर्ड्स तो कम से कम आप उच्चारण कर पाएंगे सही से। क्या पढ़ा जाता है, हैंग आउट्स, हैंग आउट्स, बगल में हिंदी भी लिखा हुआ हैंग ओवर, ई आर को वर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो, हैंग ओवर, हैंग टैक्स, हैंग टैक्स, हैंकर्ड, ई आर डी को वर्ड बोलते हैं, आर रेड हो गया ना, ई आर को वर बोलते हैं, हैंकर्ड हो गया, हैंकरर, ई आर को वर, फिर देखे दो दो ई आर, पहले ई आर जो र के साथ, आर के साथ, दूसरा ई आर जो के साथ, हैंकरर, हैंस, हैंसर, हैंसलेड, हैनुकिया, हैनुकिया, हनुमंस। नेक्स्ट है हफ्तरा, हैफ, देखिए हैप्पी कॉर्डस। नेक्स्ट है हैप्लाइट्स, नेक्स्ट देखिए हैप्लिटिक, नेक्स्ट है हैप्लॉइड्स, नेक्स्ट हैप्लॉइडी, नेक्स्ट हैप्लॉन्ट्स, नेक्स्ट हैप लोपिया,
नेक्स्ट हैप लोसेस, हैप लोसेस, नेक्स्ट है हैपेंड, नेक्स्ट हैप्पीएस्ट, ईएसटी क्वेस्ट बोलते हैं यहाँ, ईडी देखिए है ना, ये सब समझना होगा थोड़ा सा। हैप्पींग आई एन जी, हैप्पी में इंग जोड़ गया तो हैप्पींग हो गया। हैप्टेंस, हैप्टेंस, हैप्टेनेस हो गया। नेक्स्ट देखिए हैप्टेनिक, हैप्टेनिक, हैप्टेरॉन, हैप्टिकल। नेक्स्ट है हैक्टन, क्यू यू से क होता है, मैंने बताया था ना क्यू यू ई से क होता है, तो हैक्टन। नेक्स्ट है हैराके, है रेकेक। नेक्स्ट है हैरम्बी, हैरम्बी, बी से बी होता है तो हैरम्बी। नेक्स्ट हैरम्डस, नेक्स्ट हैरम्डिस, नेक्स्ट है हैरेंग, हैरेंग, जी यू से ग, हैरेंग। नेक्स्ट है हैरेस्ड, हैरेस्ड, नेक्स्ट है हैरेसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 33 है हैरासेस, हरबोर्ड, हरबोरर, हरबोर्स। नेक्स्ट है हार्ड बैक, नेक्स्ट है हार्ड बैक्स, बैक है ये बैक्स है, हार्ड बेक एक के बाद ही आया तो एक का चयन फिक्स हो जाता है एक रूप में। हार्ड वॉल, हार्ड बीम, ई ए को बड़ी कार के रूप में लिखते हैं, समझते हैं, हार्ड बीम। देखिए हार्ड बूट, हार्ड केस एक के बाद फिर आया ए तो ए का उच्चारण एक रूप में हार्ड केस हो गया। नेक्स्ट है हार्ड एज, हार्ड एज, डी जी में डी जो है साइलेंट है, ए का जी का उच्चारण होता है, हार्ड एंड। नेक्स्ट है हार्डनर, हार्डनर। नेक्स्ट देखिए हार्ड फेस एक के बाद ई आया, हार्ड फेस, हार्ड हैट। नेक्स्ट है हार्ड हैट्स, देखिए हार्ड हेड्स, हार्डी, हार्डीएस्ट, हार्डीएस्ट। नेक्स्ट है हार्ड लाइन, नेक्स्ट हार्डनेस, नेक्स्ट है हैंडलिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, हैंडलिंग हो गया, हैंडलीस्ट। नेक्स्ट है हैंड लूम, हैंड मेड एक के बाद ये आया उच्चारण का एक रुपये फिक्स हो गया, हैंड मेड, हैंड मेड, इसको भी ए आई को भी ए ही बोलते हैं। हैंड ऑफ्स, हैंड आउट्स, हैंड ओवर। नेक्स्ट है हैंड पिक, नेक्स्ट है हैंड प्ले, ठीक है प्ले हो गया, हैंड रेल, हैंड रेल। नेक्स्ट है हैंड रोल। अब देखिए नेक्स्ट 33 देखिए, हैंड सॉस, हैंड सॉस, हैंड सेल्स, हैंड सेट्स, हैंड स्वेन, हैंड स्पूल, हैंड सम, हैंड वर्क, हैंड रिट, हैंडी मैन, हैंडी मेन, हैन पुट। देखिए हैंगेबल, हैंग ए बी एल को एबल बोलते हैं तो हैंगेबल हो जी के साथ एबल, हैंगेबल, हैंगर्ड। नेक्स्ट है हैंग ब्रीड, हैंग बर्ड, सॉरी हैंग बर्ड। नेक्स्ट है हैंग डॉग्स, हैंग फायर, हैंगिंग्स है ना, हैंग नेल्स, हैंग नेस्ट, हैंड हो गया, उसके बाद काट हो गया, हैंड काट, हैंड क्लैप, और ये हैंड कफ। उसके देखिए हैंड फास्ट, हैंड फिट, हैंड फोल्स, हैंड ग्रिप, हैंड गन्स, हैंड हेल्ड, हैंड होल्ड, हैंडी कैप, हैंडी एस्ट। फिर देखिए हैंडी, हैंडी ईज्म, हैंडी ईज्म, आई एस एम को ईज्म बोलते हैं, और हैंड जर्स। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं सभी तरह के वर्ड्स को, अगर कोई दिक्कत है फिर से आप देखिए बगल में हिंदी भी लिखा हुआ है, उच्चारण करेंगे उसके बाद लिख के देखिए कॉपी पे कि वाकई में क्या आप इसे जो उच्चारण हो रहा है आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, एक बार में लिखना अगर सीख जा रहे हैं यानी कि उच्चारण आप समझ रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो उम्मीद इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे लिखिए उम्मीद इंग्लिश या गूगल माइक पर, सारे वीडियो के लिंक मिले, वीडियो की संख्या 910, ये वीडियो संख्या बढ़ जाएगी अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, वाकई में पढ़ने नहीं आता, सीखना चाहते हैं तो इतने वीडियो की आप पक्का 100% गारंटी पढ़ना सीख जाएंगे, लिखना सीखेंगे बिल्कुल ग्रामेटिकल, और बोलना भी सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करना होगा दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे। बीती जी ना तो ग्रामर्स की मोटे मोटे बुक्स लेना है दोस्तों, ना ही
डिक्शनरी खरीदना है मोटे मोटे, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए भी क्या करना है, जो जो डेली जो बेसिक वर्ड्स है वो 4-5 हज़ार वर्ड्स भी बहुत है आपके लाइफ में, 500 वर्ड भी सीख लेते हैं ना तो बहुत हो जाता है, आप बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन बेसिक तो आप जानते भी होंगे, और करना क्या है कि A4 साइज की कॉपी पे आप इसे नोट करते चलिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, और उसके बाद कि बार बार रिवीजन आप कॉपी से करेंगे ना कि वीडियो देखकर, क्योंकि आप वीडियो आप तो बाद में भूल भी जाएंगे लेकिन कॉपी पे लिखा हुआ आप बार बार रिवीजन ईजिली कर पाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे दोस्तों, कैसे यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं ये देख रहे हैं, और ईजी वे में सब कुछ सीखेंगे वाकई में। देखिए ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ कैसे किसी भी टेक्स्ट को आज से अचानक आप पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ हिंदी वाले वर्ड्स भी आपको समझ में आएंगे, कुछ अंग्रेजी वाले वर्ड्स भी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी इंग्लिश को मिलाकर पढ़ते हैं, है ना। मान लीजिए कोई न्यूज़ कहीं घटना घटा, कहीं कुछ हुआ पॉलिटिकल, कोई भी न्यूज़ है पेपर में छप गया न्यूज़पेपर में, तो क्या होता है आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ उस स्थान का नाम होगा, वहाँ पर इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उनका नाम होगा, बहुत सारी बात होगा। तो हिंदी का भी अंग्रेजी का भी होता है, लेकिन जब पढ़ते समय बहुत सारे लोग समझते सिर्फ इंग्लिश ही है, जड़ जाते हैं। जब वो पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा हिंदी है कौन इंग्लिश है। तो वहाँ पर स्वर और व्यंजन का योग जो जो मैंने बताया था इस्तेमाल, वो आना चाहिए तभी आप पढ़ पाएंगे। दूसरा कि अंग्रेजी के वर्ड्स में कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं उनको समझेंगे, कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं। पैटर्न का मतलब तो हर एक वर्ड जो है अंग्रेजी वाला जो वर्ड मीनिंग है वो कई पार्ट से बन के मिलकर बने होते हैं, वो उन पार्ट्स को पकड़ना है। देखिए शुरू में जो लगते हैं, जैसे शुरू में यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रो, ये हमारा प्रीफिक्स, और लास्ट में जो आपने देखा है यहाँ TN को जो है, इसी में TN जो है सन, कोई लास्ट में जो है वो सब सफिक्स वर्ड है। ये मैंने आपको शुरू में चर्चा किया था सन के बारे में, तो ये प्रो है। अब बचा तीन ही ना DUC, तो प्रो यू को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, ठीक है, यू को अ पढ़ा गया, तो प्रोडक्शन। तो चलिए आप देखिए AN को बोलते एन, एम लगा तो मेन, टी लगता तो टेन, एल लगता तो लेन, जी लगता तो गेन, है ना, पी लगता तो पेन, आर लगता तो रेन, कई वर्ड बन जाता है एन से, AN से, ठीक है। तो एम लगा हुआ है द मेन मार्केट्स आर USA। अब देखिए कनाडा, हिंदी में भी लिखते हैं हम लोग कनाडा, अंग्रेजी का ये चले नाम ही है। घाना सऊदी, ठीक है, सऊदी अरेबिया, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, द ग्रोइंग, ग्रो देखिए ग्रो हो गया यहाँ पर GRO ग्रो, INGING को बोलते ग्रोइंग, ग्लोबल, AL को बोलते अल, तो ग्लोबल। अब CUN जो प्रीफिक्स वर्ड है कंसर्न, ER को R बोलते हैं, ERN को अन बोलते हैं, C लगा सर्न हो गया, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, ENT को एंड बोलते हैं एनवायरनमेंट, फ्रेंड है उसके बाद ली बोलते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, मेटेरियस हैज वंस, CE को स पढ़ दीजिए, कहीं भी मिल जाए स पढ़ दीजिए, AIN देखिए फिर से आया ना, यहाँ भी मेन में था, जी लगा AG लगा तो अगेन हो गया, ओपेंड द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट सुगर इंडस्ट्री इंडिया स्टैंड्स सेकंड्स एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर, ER को R बोलते हैं, ऑफ सुगर बट ऑक्यूपाइज, IS को इज बोलते हैं, ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस, ए के बाद ही आया तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है एक रूप में, असी को स बोलते हैं, फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुर एंड, देखिए हिंदी का शब्द है गुर एंड खांड सरी, द रॉ मे, ए के बाद ई आया तो इसलिए मे उच्चारण हो रहा है, मेटेरियल, IL को ER बोलते हैं, यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज वल्क, वल्क में वाई हो गया वल्की, एंड इन हाउलेज, ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण एक रूप में, ऐसे भी AGE को एज पढ़ते हैं, इट्स सुक्रोज, इसको जब बोलते हैं कंटेंट, ENT को एंड बोलते हैं, CUN को कन बोलते हैं, टी लगा टेंट हो गया कंटेंट, रिड्यूस वेयर सूड, OULD को वुड बोलते हैं, SH लगा सूड, सिर्फ W रहता था वुड, अगर C रहता तो कूड हो जाता है SH की जगह, है ना, द मिल्स वी द आइडियली लोकेटेड, TED को बोलते हैं टेड, इन 2010-11 देयर वर ओवर, ER को R ओवर उत्तर, ये देखिए हिंदी वाला शब्द है प्रदेश बिहार
महाराष्ट्र, राष्ट्र कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलॉन्ग ओ एन जी को अंग बोलते हैं विद, ये देखिए एल को एल ओ एन जी को अंग अलॉन्ग विद पंजाब हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। अब देखिए 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं इजी वे में। अब देखिए जिनको वर्ड्स नहीं याद होते हैं, मतलब कि जो याद ना कर पाएंगे वॉवेल्स को, उसको मैं बता रहा हूँ तरीका क्या होगा याद करने का। तो सभी वॉवेल्स में पहला तो कि जब भी पढ़ें तो अ आपको ध्यान रखें, अगर ई और आई वाला में दो दो और बढ़ा लीजिए याद हो जाएंगे ई। तो पाँच में से चार तो हो गया ना, बचा यहाँ सिर्फ ए आई ही ना। ओ यू में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो बचा यहाँ दोस्तों क्या, यहाँ चार पाँच में से तीन तो हो गया, बचा यू ई यू और ओ ही ना, ए जो है बस बचा हुआ। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आप पूरा कुछ जो है 100 से 150 वर्ड जो प्रैक्टिस करने के लिए ले लीजिए। वो कहाँ से लेंगे, जिसका उस चैनल को पहले से पता हो, जी हाँ उसको जिसके बारे में आप जानते हो, आपने सुन रखा है। वैसे कंपनी कौन नहीं जानता, सॉल्ट केयर, सर, सर कौन नहीं बोलता, सर सर सभी लोग बोलते सर, इस तरह से बोलते हैं, फूड बोलते हैं लोग। तो ऐसे ऐसे वर्ड ले लीजिए और कम से कम 100 से 150 वर्ड मीनिंग का आप कलेक्शन कीजिए। और ये दोस्तों 100 से 150 वर्ड मीनिंग जो है आप 10 दिन में जो है कंप्लीट करिए, ठीक है। 10 दिन में यानी कि 15-15 वर्ड अंग्रेजी के लेना है, उसको लिखना है कॉपी पे, आप कॉपी पे लिख कर उसके बाद चेक करना है कि कहाँ पर कौन सा उच्चारण हुआ है। जैसे यहाँ पर कंपनी में दो वॉवेल हैं, एक तो ओ है दूसरा ए है, लेकिन मैंने सिर्फ ए के बारे में चर्चा करना है मुझे यहाँ पर। तो ए को यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, तो ए को यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा जा रहा है, तो आ पढ़ा जा रहा है। केयर में ए को क्या पढ़ते हैं, तो केयर में ए को ए पढ़ रहे हैं। तो मैप में ए को क्या पढ़ा जाता है, तो ए पढ़ते हैं, यहाँ पर ए लिख लीजिए मैप। परफेक्ट में दो ई है, ठीक है, पहला ई का उच्चारण अ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तो अ के रूप में हुआ परफेक्ट में ए हो गया। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में ई का उच्चारण है तो ए के रूप में। उसके बाद देखिए एस आई आर क्या होता है, एस आई आर सर पढ़ते हैं, आई को अ पढ़ते हैं, तो यहाँ आ हो गया। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण ई के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ तो ऊ के रूप में। एल ओ यानी लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। बी यू टी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो अ के रूप में हुआ। पी यू टी बुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ के रूप में। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण है तो अ के रूप में। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ बड़ी ऊ के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी वर्ड्स को लीजिए और देखिए, चेक कीजिए। अगर 100 से 150 वर्ड्स पे आप काम कर लेते हैं इस तरह से ना, तो आप कोई भी नए नए वर्ड भले ही आपने कभी सुना ना हो, पढ़ा ना हो, लेकिन एक बार कोई बोल दे तो आप लिख लेंगे और बिना बिना कुछ सामने, मतलब आप इजी वे में 99% तक करेक्ट पढ़ने लगेंगे, 100% ये गारंटी है मेरी। लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आपको उसके लिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है या उनको सीखना चाहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों है, और नीचे भी है, वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन है, और प्लेलिस्ट जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में आप जाइए और हमारे वीडियो को डे वंस देखिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान के धन्यवाद, थैंक्स का धन्यवाद दोस्तों।